हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल मालवीय। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक्नोगुरु। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो बताने वाला हूँ। अगर आपके मोबाइल की बैटरी बार बार डिचार्ज होती है, बार बार ख़त्म हो जाती है, बार बार चार्जिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको बस इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत अच्छे तरीके से बहुत टाइम तक ड्यूरेबिलिटी के साथ में चले। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। कुछ सेटिंग बताऊँगा फ़ोन में, वो आपको करनी है। ये सेटिंग करने के बाद में आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत अच्छी चलेगी और आप बहुत ही ज़्यादा टाइम तक मोबाइल को यूज़ कर पाओगे। और मेरे पास ये मोबाइल सैमसंग का, तो इसमें बार बार मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसी वीडियो के द्वारा, इस मोबाइल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी बैकअप को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर इस आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज बार बार होती है तो उसको बैकअप को किस प्रकार से एक ट्रिक के द्वारा बढ़ा सकते हैं वो बताऊँगा। तो हमारे पास ये सैमसंग का मोबाइल है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद दो तीन सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। अबाउट में जाना है आपको। अबाउट में जाने के बाद में आपको देखना है कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर है, वो सब देख सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर है, मॉडल नंबर है, तो देख सकते हैं। इसके बाद में सॉफ्टवेयर में जाने के बाद में आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। वो क्या मैं बताता हूँ। सबसे पहले बिल्ड नंबर, इस पर आपको 7 बार टैप करना है और आपके मोबाइल में एक डेवलपर मोड ऑलरेडी ऑन हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। अगर आपके पास ये टैप किया हो नहीं तो ऑन हो जाएगा। अगर मेरे पास ये टैप किया हो तो ऑलरेडी ऑन है मेरे पास। फिर आपको जाना है डेवलपर मोड में, बैक की प्रेस करना है और नीचे जाना, आपको डेवलपर मोड आएगा। ये टैप करने के बाद में ये डेवलपर ऑप्शन आ गया है, इस पर ओके करना है। इसमें आपको दो तीन सेटिंग ऑन करनी है, क्या बंद करना है मैं आपको बताता हूँ पूरा। सबसे पहले इसको ऑन कर देते हैं, फिर ओके करना है आपको। ओके करने के बाद में नीचे जाना है आपको, नीचे एक ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले नीचे ऑप्शन में जाना है आपको, नीचे ड्रैग करके इसमें कुछ सेटिंग ऑन करनी है और ऑफ़ करनी है। तो सब नीचे नीचे जाना है आपको। नीचे जाने के बाद में सबसे नीचे जाना है, एकदम नीचे दिया हुआ आएगा आपका लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस। ये लिमिट कर देना है, इन बैकग्राउंड प्रोसेस वो ज़्यादा नहीं चलेगी जिससे बैटरी बहुत ही ज़्यादा चलेगी। बैटरी की जो ड्यूरेशन है, कैपेबिलिटी है, वो अधिक रहेगी। नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर क्लिक करना है, कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रहेगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसको आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर क्लिक करना है। ये करने के बाद में आपको एक और सेटिंग है, वो करना है। आपको जाना है ऊपर के ऑप्शन में साउंड एंड वाइब्रेशन, वहाँ पर जाना है। वहाँ नीचे जाना है आपको, लॉक स्क्रीन काउंट बंद कर देना है, चार्जिंग साउंड बंद कर देना है और डायलिंग कीपैड टोन्स ये भी बंद कर देना है, कीबोर्ड साउंड ये भी बंद कर देना है, क्योंकि ये अननेसेसरी साउंड है, किसका कोई लेना देना नहीं है। इसके द्वारा आप बैटरी को बैकअप को बढ़ा सकते हैं। ये सेटिंग करने के बाद में आपको मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। रीस्टार्ट पर क्लिक करना है आपको, रीस्टार्ट कंपलसरी कर देना है। ये सेटिंग अनेबल करने के बाद में आपको रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। जो जो आपको नहीं चाहिए सेटिंग उसको आपको बंद कर देना है और जो नेसेसरी उनको चालू रख देना है। आपके साउंड की ये जो अननेसेसरी एप्लीकेशन है, अननेसेसरी साउंड है, वो सभी बंद कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये करने के बाद में वो मोबाइल को रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मेरे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी चालू होने के बाद में हम देखते हैं हमारा मोबाइल का बैकअप कैसे बढ़ता है और परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं और मोबाइल का जो जो टॉक टाइम है, जो टॉक टाइम बैटरी लेवल है, वो बढ़ेगा, आपका मोबाइल बहुत अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के टिप्स के लिए, अब ये आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मुझे लाइक कर जरूर कीजिए इस वीडियो में, और मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इस रिलेटेड और भी ज़्यादा टिप्स लेता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।